टीवी इंडस्ट्री में दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा का रिलेशनशिप काफी सुर्खियां बटोर चुका है। जब ये दोनों स्टार्स रिलेशनशिप में थे तो इनके फैंस को यही लगता था कि दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में भी बंधेंगे, लेकिन तकरीबन 7 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों की राहें अलग हो गई और लंबे वक्त तक दोनों एक दूसरे पर कुछ भी नहीं बोले थे। दोनों अब शादीशुदा हैं और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब सालों बाद एक बार फिर से एक्टर शरद मल्होत्रा के मन में दिव्यांका के लिए प्यार उमड़ता सा नजर आ रहा है। तभी तो उन्होंने दिव्यांका को लेकर कुछ ऐसा कहा जो दोनों के फैंस को हैरान भी कर सकता है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में शरद ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो दिव्यांका की तारीफ करते नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि शरद ने दिव्यांका के साथ डेट पर जाने की इच्छा भी जाहिर कर दी। शरद ने कहा, पब्लिक में जिस तरह से वो खुद को कैरी करती हैं वो शानदार है, ग्रेट यार, बहुत खुश है, मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर। इसके अलावा शरद ने कहा कि वो दिव्यांका और उनके पति के साथ डेट पर जाना चाहेंगे। शरद ने कहा, बिल्कुल, मुझे पता नहीं वो किस साल में होगा, मगर निश्चित रूप से उम्मीद है कि कभी हो यार, मुझे लगता है कि जो बीत गया वो बीत गया, हमने जिंदगी को खूबसूरती से स्वीकार किया है, हम मूव ऑन कर चुके हैं, हम सबकी शादियां हो चुकी हैं, हम खुश हैं। उनके साथ एक बार डिनर करना शानदार होगा, जब भी हो, अगर कभी भी हो तो। आपको बता दें कि शरद और दिव्यांका ने शो बनू मैं तेरी दुल्हन में एक साथ काम किया था। इसी शो के दौरान दोनों नजदीक आए थे। हालांकि जब से इनका ब्रेकअप हुआ तभी से दोनों ने एक दूसरे से पूरी तरह से किनारा कर रखा था, लेकिन अब खुद शरद ने इस बात की इच्छा जाहिर भी की है कि वो दिव्यांका के साथ फिर से काम करना चाहते हैं। जी हाँ, शरद कहते हैं कि उन्होंने और दिव्यांका ने पिछले 6 सालों से बात नहीं की, लेकिन अब वो उनके साथ काम करना पसंद करेंगे। वेल, अब जब शरद ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है तो क्या दिव्यांका भी पुराने सारे गिले शिकवे भुला कर शरद के साथ काम करना पसंद करेंगे? क्या टीवी की ये सालों पुरानी जोड़ी एक बार फिर से लौट कर आएगी? वेल, शरद तो फिलहाल पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है तो दिव्यांका का। वेल, शरद की बातों पर दिव्यांका का कैसे रिएक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर दोनों के फैंस इनकी जोड़ी फिर से देखना जरूर पसंद करेंगे। आपको बता दें कि दिव्यांका और शरद का ब्रेकअप काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि शुरुआत में दोनों ने अपने ब्रेकअप पर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन दिव्यांका ने एक वक्त के बाद अपने ब्रेकअप को लेकर काफी चीजें खुलकर बताई थी। हालांकि अब दोनों ही स्टार्स अपनी अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी हैं। जहां शरद ने 2019 में दीप्सी भाटिया से शादी कर ली तो वही दिव्यांका ने साल 2016 में विवेक भैया से शादी रचाई।